इंडिया इंटरनेशनल जर्नी के बारे में आप बताइए, एक्चुअली क्या है आपकी जर्नी, कैसी हुई शुरुआत उस बारे में? ओके, सो अच्छा नॉर्मल बताऊँ जी? ओके, तो मिस इंडिया इंटरनेशनल की जर्नी एक्चुअली ये 2 दिन का शो था, पैजेंट था ये, सो जिसमें कई मॉडल्स आई गई एंड कई सिटीज से मॉडल्स आई थी, जिसमें मिस्टर मिस एंड मिसेस कैटेगरी थी। तो यहाँ पे ओवरऑल 30 कंटेस्टेंट्स थे, 29-30 कंटेस्टेंट्स थे। सो फ्रॉम दैट द आई एम द विनर ऑफ मिस इंडिया इंटरनेशनल। सो इसमें एक स्विम सूट राउंड था एंड मेकअप आर्टिस्ट मिस रूमा शर्मा एंड शी वॉज सो गुड, जिन्होंने हमें स्टाइल किया था। एंड देन जो मयूर दा थे, ही वॉज अ कोरियोग्राफर ऑफ दैट शो। सो आखिर में ये शो मतलब हुआ है 19 को, तो 18 को ये शो हुआ है। कैसा फील कर रहे हैं आप ये अवार्ड मिलने के बाद? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। टैलेंट राउंड में एक्चुअली मैंने डांस किया है, तो मेरा टैलेंट तो मेरा डांस ही है, तो टैलेंट राउंड में मैंने उन्हें डांस करके दिखाया। आगे आपका क्या प्लानिंग है? आगे मेरा प्लानिंग डेफिनेटली, मैं अभी तो टाइटल मुझे मिल गया, तो अभी मैं उसे आगे बढ़ाना चाहती हूँ एंड आई वांट टू बी ऑन दैट प्लेटफॉर्म जो मेरे आइडियल्स है, तो या जिससे भी इंस्पायर होती हूँ। एंड मुझे अभी एक्टिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो मैं चाहती हूँ कि आफ्टर दैट मैं मॉडलिंग तो कंटिन्यू करूँ, बट हाँ मैं अपनी एक्टिंग भी सीख लूँ। लाइक ड्यूरिंग द शो ग्रूमर वॉज मिस्टर मयूदा। एंड हाउ वाज द जूरी मेंबर? जूरी मेंबर वॉज मिसेस नवनीत ग्रोवर एंड देयर वॉज अगेन 2 जूरी मेंबर्स देयर। वुमेन्स एम्पावरमेंट के लिए आपका क्या इनिशिएटिव है इन फ्यूचर इस बारे में? वुमेन एम्पावरमेंट के लिए तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली हमें वुमेन्स को सपोर्ट करना चाहिए ये चीज़ों के लिए। इफ़ यू आर चूजिंग एनी फील्ड, लाइक कुछ भी हो, तो वुमेन्स को हमें सपोर्ट करना चाहिए, उन्हें ये नहीं करना चाहिए किसी चीज़ों के लिए। ऐसी स्ट्रगलिंग गर्ल्स है, वुमेन्स है, जो एक मुकाम चाहती है अपना पिजेंट के लाइन में, ब्यूटिशियन के लाइन में, मॉडलिंग के लाइन में, तो ऐसे लोगों के लिए आपका क्या रहेगा, प्रेरणा स्रोत क्या है? ऐसे लोगों के लिए तो मैं चाहती हूँ कि आप देयर इज लाइक सोशल मीडिया जैसे सारी चीज़ों में हेल्प करती है। यू कैन यूज यूट्यूब में आपको हाउ टू वॉक, हाउ टू टॉक, तो ये हमें सीखने भी मिलेगा। एंड साइड वाइज आप उस पर मेहनत कीजिए, डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ तो पहले स्टार्टिंग में मिलेगा ही। व्हाट अबाउट योर नेक्स्ट प्रोजेक्ट? माय नेक्स्ट प्रोजेक्ट अभी वो अपकमिंग प्रोजेक्ट नहीं है, बट हाँ यही शो है मिस इंडिया का विनर के टाइटल के लिए, मुझे एक सॉन्ग के लिए उन्होंने ये किया। एज यू कम इन ऑरेंज सिटी, या व्हाट विल बी योर मैसेज टू ऑल गर्ल्स एंड वुमेन? लाइक here is some girl who feel like they didn't even tell their parents that I'm interested into this, so they just like parents ne jaisa kaha, so they just go into that thing, but I think personally hame jo karna hai, jo aap karna chahte ho, aap use pehle follow kijiye. How do you define the beauty in women? Beauty in women, like beauty is everything. Beauty is what I call, beauty is everything. Like beauty is, what to say, beauty is everything for me. Like beauty is a personality. You will say the fusion of beauty and talent. Yeah. What? You think of beauty and talent is the main fusion? Yeah, beauty and talent definitely for the modeling, I think. I don't know about another field, but yes, for the modeling, I think it is important.